भोपाल में वरिष्ठ पत्रकार अंशुमन भार्गव की पुस्तक बाय द वे का विमोचन हुआ। विमोचन समारोह में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और अन्य वरिष्ठ पत्रकार मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री पटेल ने पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा कि अंशुमन भार्गव का लेखन बहुत ही प्रभावशाली था। उन्हें समसामयिक मामलों के अलावा पर्यटन, पर्यावरण और सामाजिक विकास जैसे मुद्दों की भी गहरी समझ थी। कुछ लोग अपने अल्फाजों से जागृति की मशाल जलाते हैं, उनके जाने के बाद भी ये मशाल समाज में जागृति की रोशनी फैलाती रहती है। कुछ ऐसे ही मशाल जलाई थी वरिष्ठ पत्रकार अंशुमन भार्गव ने अपने कॉलम बाय द वे के माध्यम से, जो आज भी समाज में जागृति लाने में सक्षम है। अपने कॉलम में छपे आलेखों को कॉफी टेबल बुक के रूप में संकलित कर अमर करने की अविस्मरणीय पहल की डॉक्टर मेघा विजयवर्गीय एवं मयंक विश्नोई ने। केंद्रीय मंत्री पटेल ने कहा कि अंशुमन भार्गव युवा पत्रकारों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मैं आशा करता हूं कि इस पुस्तक के माध्यम से वे अपने मित्रों, शुभचिंतकों और पाठकों के दिल में हमेशा जागृति की मिसाल बनकर रहेंगे। वे मेघा विजयवर्गीय और मयंक विश्नोई को भी उनकी इस सराहनीय पहल के लिए दिल से बधाई देता हूँ। हमारे दोनों में कोई तालमेल नहीं था सिवाय इसके कि लड़ने में हम साथ थे, लेकिन बाकी चीजों में हमारे मतभेद थे। एक पत्र लिखकर गए, वो पत्र उनके मरने के 8 महीने के बाद मुझे मिला। उसमें बहुत सारी चीजें लिखी थी, उसमें दोस्त की परिभाषा से लेकर आज जब मैं देखता हूं तो उसने काफी लाइन लिखी थी कि दुनिया सदैव पुकार में जाएगी नूतनता नूतनता नूतनता। एक आशीर्वाचक थे, दो आशीर्वाचक थे, तीन आशीर्वाचक थे। मित्र की परिभाषा से पत्र शुरू था और ऐसे सूत्र बात थे। उसमें एक सूत्र भी था कि साहित्य पढ़ा नहीं जाता और पत्रकारिता पढ़ने लायक नहीं। 81 और मैं कई बार इन बातों को कोट करता था, आज मैं उसको बदल रहा हूं। और जब मैं इस पुस्तक को मैंने देखा तो मैं मानता हूं कि साहित्य से कम नहीं है और मुझे लगता है ये राय बदलनी चाहिए। जिस आज का दिन इसी बात के लिए महत्वपूर्ण है, समय के साथ में ये परिस्थिति हमारे सामने आती है और इसलिए मैं उस पत्रकारिता को नमन करता हूँ जो शिद्दत के साथ, संकल्प के साथ जूझती है, पूछती है, लोगों को खेलती है, तत्व तक पहुंचने की कोशिश करती है। उसे कोई भी जरूरतमंद आदमी, कोई भी समस्या में घिरा हुआ आदमी पहली नजर में पत्रकार की तरफ देखता है, पत्रकारिता की तरफ देखता है। ये सच्चाई है और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो चरित्र है, ये ताकत है पत्रकारिता। इस पत्रकारिता की ताकत में हम ये भी देखें कि कहां पर हमारा सरोकार ठहर जाता है। और इसलिए मुझे लगता है कि जो सबसे अहम बात होती है वो पत्रकार का अपना सरोकार होता है कि वो अपने सरोकारों को कैसे व्यक्त करता है। और इसलिए जो बातें तकनीकी तौर पर कही है मैं तो उन्हें नहीं जानता क्योंकि मैं पत्रकार हूं नहीं, पत्रकारिता मैंने की नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर मुझे गर्व है कि अनेक लोग यही बैठे हुए हैं जिनसे मेरा ऐसा संबंध रहा है कि हमने मुद्दों पर बात की है, गंभीरता से बात की है, लेकिन पत्रकारिता में कभी ना उनने अपने कलम में समझौता किया और न मैंने उनके कलम को समझौता करने के लिए कभी कहा। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं, ये संवाद की चीजें हैं जो हमारे साथ में चलनी चाहिए। और मैं इस समय अंशुमन के बारे में सब इतना ही कहूंगा, लगभग बात हम उसने कह दी है कि अंशुमन की पत्रकारिता को तो मैंने करीब से देखा, मैंने उसके जीवन को भी करीब से देखा। आखिरी बस हमारा और उसका साथ रहा और उन आखिरी वर्षों में, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, जब भी वो मेरे पास आता था तो जैसा मेरा स्वभाव था, उसके एक मित्र आगे मेरे स्टाफ में है तो वो भी दोनों साथ पढ़े थे। वैसे हम लोग तीनों लोग बैठे हुए थे जब उसको चौथी बार कैंसर हुआ तो उससे ज्यादा निराश आलोक थे। तो आलोक ने कहा, तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि मेरे अंशुमन जीना उतना ही है, मुझे नहीं पता मुझे कितने साल जीना है, बीमारी से मरूंगा या एक्सीडेंट से मरूंगा या स्वाभाविक मौत मरूंगा मुझे नहीं पता। यानी जो प्रयास करते हैं उसमें हमारा कितना हिस्सा डर से चला है, प्रकृति में कभी ऐसा नहीं होता, वर्षा होती है तो अधिकतर समुद्र में होती है, धरती पर कब होती है, लेकिन लोग निराश नहीं होते।
फल आते हैं, पक्षी ज्यादा खा जाते हैं, गिर जाते हैं, सड़ जाते हैं, कभी कोई इसकी चिंता नहीं करता, वो हारते नहीं। लेकिन एक मनुष्य ये है जो समय में अगर विफल होता है तो हार देता है। लेकिन अंशुमन ने वैसी कमजोरी नहीं थी, उसने अपने जीवन को ईमानदारी के साथ जिया, आखिरी मिनट तक दिया। ऐसे व्यक्ति के लिए मुझे नहीं पता कि पुस्तक कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ने के बाद क्या सोचेगा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आपने अंशुमन को लेखक का अमर बना दिया। इसलिए फिर से मेरा जो व्यक्ति आपको जैसे धन्यवाद, उसकी तैयारी करने वाले दादाजी आपका मैं अभिनंदन करता हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने जीवन का एक किस्से सुना सकता हूँ, लेकिन मैं तय कहता हूँ कि मित्र की परिभाषा यही होती है कि जो आपकी अच्छाइयां और कमजोरियों को जाने और उसके बाद आप जो प्यार करें वो दोस्त होता है। कमी होगी, कितनी ही कमी होगी, लेकिन वो व्यापार और परोपकार की परिधि में नहीं आता। अंशुमन मेरा दोस्त था, जब मैं विपत्ति में था तब वो मेरे साथ था, और जब उसका समय आया तो मैं साथ दे पाया। तो बहुत धन्यवाद, आप सबका भी धन्यवाद। सर जी मैं सिर्फ नहीं जीऊंगा, तुम्हारे पास में उतना समय नहीं हो सकता ये होगा, लेकिन जब तक जीना है तो अपन बन गए ऐसे मिलके हंस के दिए कि उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसकी मृत्यु के 17-18 दिन पहले वो हमारे पास आए और कहने लगे कि मैं वो एक गांधी स्मृति दर्शन में डायरेक्टर निर्देशक थे उस समय, बोले इनको अगर हम परमानेंट कर दें जो गरीब रहने वाले लोग हैं। तो मैंने कहा अपने खुद की चिंता करो, दुनिया भर की चिंता मत करो। मैंने कहा बजट में जाएगा फिर, अब मैंने कहा मंत्री मैं नहीं हूं, मंत्री कोई और हो गया है, अगर उस समय में होता तो शायद मैं तेरी बात को मान भी लेता। अब कहा झगड़े में पड़ोगे, तुमको अगर मन है तो तुम भेज दो। मतलब मृत्यु के 17 दिन पहले वो आदमी ये कहता है कि साहब इनको तो परमानेंट कर देना चाहिए, इनकी व्यवस्था ठीक कर देनी चाहिए। आदमी अस्पताल से आने के बाद और वैसे ही बर्ताव करेंगे, नहीं नहीं अभी तो ये लिखना बाकी है, अभी ये करना चाहिए, अभी वो करना चाहिए। इसलिए मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि किसी भी परिस्थिति में जाने के पहले तक अंतिम मिनट में भी अंशुमान जीवित रहे, मन से भी अपने कर्तव्यों के प्रति भी। उस आदमी ने कभी नहीं कहा कि मेरे पास में समय कम है, उस समय के कम होने के बावजूद भी वो आदमी अंतिम दिन तक जिया। मुझे अमृत उनके भाई हैं, वो कह सकते हैं क्योंकि अस्पताल में जाके अमृत मिलते थे हमसे, तो वो अस्पताल से आने के बाद मिलते थे। तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति किसी ने उस आदमी को निराश नहीं देखा। जब उसको पांचवी बार हुआ तो बाकी लोगों ने आपा खो दिया। तो मुझे लगता है कि ये चीजें हैं जो हम सबको इस बात का संकल्प की प्रेरणा देती है कि नहीं, समय सबके पास उतना ही है जितना भगवान ने दिया है, लेकिन आखिरी मिनट तक हम चीजों को करेंगे। और इसलिए मुझे एक सिद्धांत के साथ ही मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, अंग्रेजी में सामान्यतः बोलता नहीं हूँ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।